आओ छोटू आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग बुड्ढे को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुड्ढे को मैंने बुड्ढा बोला, वो मेरे पे भड़क गया। तेरे को छोटू बोल रहा है, तू भड़क गया। तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहें तुम्हें? अंकल कहो, अंकल अंकल। कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूँ तेरे को? अरे अमीन, अरे इतना बुड्ढा नहीं हूँ मैं। अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता। पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। आगे हमारी जान मन। हेलो बेबी। हाय हाय, ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली। अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो तुम बकवास मत करो। और बेबी तुम मुझे ये बताओ, हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेना है, 2 ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे लो। ठीक है। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना है, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे अरे, लेकिन कोई सामान अमान तो लाए नहीं है। अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती रास्ते में। आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती, पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आई एम द जस्ट बिगिनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। Really? या अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे थे। अच्छा खैर, ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? Then who will say me? आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन है। मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए आप, एक आपको बात बताऊँ मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है, आप ना टांग पानी में मत रखना, ठीक है? पैर नहीं निकालना। एक मिनट, लंच टाइम से मेरे पैरों का क्या लेना देना? हमारा लंच टाइम नहीं, शार्क का। शार्क। चलो जल्दी जल्दी आगे बैठो। सुनो, अब ज्यादा बोलना नहीं, मेरे को जहाज स्टार्ट करने दो, ठीक है? अरे एक मिनट, हमको चढ़ा दो। ये बताओ, हाँ सिंगापुर कब पहुँचेंगे? मेरे को क्या पता, मैं कैप्टन हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ। सिंगापुर कब पहुँचेंगे? तुम्हें सिंगापुर की पड़ी है, रूम पूछो कहाँ है? कैप्टन हमारा रूम कहाँ है? रूम कहाँ है हमारा? जहाज खाली पड़ा, जिधर मर्जी घुस जाओ। अरे ऐसे कैसे घुस जाए? तुमने कहा था कि सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मेरा मतलब है जहाज की कैपेसिटी 2 लोगों की। अरे तो क्या बार बार रूम रूम कर रहा है? क्या करेगा रूम में जाके? तुम मेरे हस्बैंड पे चिल्लाओ मत, ओके? क्या है? वो हार्ट के मरीज हैं। अच्छा, मुझे बताओ सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या है? शादी आपकी हुई, आपको घर से लानी चाहिए सेफ्टी वाली चीजें। हमें क्या पता? अरे इसका मतलब है कोई लाइफ जैकेट वगैरह है? लाइफ जैकेट नहीं होती हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मण हैं। हमारे ना एयरबड्स यूज होते हैं, एयरबड्स, ऐसे 2 कान में दिए, 2 नाक में, हवा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। व्हाट? मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो बॉडी में सारे छेद थोड़े ना बंद किए, और भी छेद होते हैं बॉडी में। आप मुंह से सांस ले रहे, मुंह से सांस लिए, मुंह से। अच्छा, मैं मुंह से सांस लूंगी तो मेरे मुंह में पानी जाएगा, तो मैं मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, बड़ी चालाक हो तुम। खाना खाती हो? हाँ। खाना खाने के बाद पानी पीती हो? ऑब्वियसली। मुंह में पानी जाता है तब मरती हो। चुप रहे, मेरे को अनाउंसमेंट करने दो। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यात्रीगण, दोनों यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाज में केवल 6 द्वार हैं। 6? लेकिन नजर तो एक भी नहीं आ रहा है। पता करने की जरूरत नहीं है, जब पानी आएगा ना अंदर, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा द्वार कहाँ पे है। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ इस जहाज में कोई इंटरटेनमेंट का साधन है? हाँ, इंटरटेनमेंट है ना, कसीनो है, कसीनो। ओ रियली? कहाँ है? मुझे जाना है। खेलना है कसीनो? हाँ। चलो आओ 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 आओ, 10 का 2, 10 की 2 पत्ती, आ जाए 10 की 2 पत्ती। चलो इधर बैठ जाओ साइड पे। 10 का 2 पत्ती, 2 ही बंदे खेल सकते हैं, 2 ही बंदे। एक को पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे लेकिन समंदर में पुलिस कहाँ से आएगी? समंदर में साले डाकू आते नहीं समंदर में। हाँ, तब तो डाकुओं के पीछे पीछे पुलिस नहीं आ सकती। देखो तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी, बताओ खाना कहाँ है? क्या खाओगी? अला कारते के बुफे। बुफे? बुफे के लिए आपको मेरे को धक्का देना पड़ेगा। क्यों? नीचे सब कुछ है, जो आपको पसंद हो खाएं, जिनको आप पसंद आ गए वो आपको खाएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, जाने मन तुम खाने के पीछे क्यों मर रही हो? हम तुमको खिलाते नहीं हैं क्या? एक काम करते हैं, इतने बड़े क्रूज में आए, टाइटैनिक का पोज बना के खड़े हो जाते हैं। ए बुड्ढे, ज्यादा ईगल मत बन, पानी में चला जाएगा तू। ए चल पीछे खड़ी रह। क्यों? पानी में गिर गई तो खामखा प्रेग्नेंट हो जाएगी। पानी में गिरने से कौन प्रेग्नेंट होता है? जब पानी पेट में गया, पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा तेरा? ए बुड्ढे, चल पीछे हो जा, तू भी कहीं पानी में मत गिर जाना। अजय मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि हल्के से हवा के झोंके से गिर जाऊं। बुड्ढा गिर गया। ए इधर 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 ध्यान से, इधर इधर इस तरफ इस तरफ। अरे अरे बच्चा इस तरफ मत करो। तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, शार्क को बोल रहा हूँ। इस तरफ बुड्ढा बुड्ढा गया। मुझे नहीं पता था मेरी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनो, तुम्हारा बुड्ढा तो मर गया, हम दोनों शादी कर ले। What do you mean? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो थोड़ा फ्रेश हो फिर भी कर लेते हैं। सुनो, जब हम शादी करेंगे तो हम इश्क कहाँ करेंगे? पेरिस में। पेरिस में क्यों? वहाँ पे प्रीति जिंटा है ना। वो प्रीति जिंटा, उसने 50 फिल्में की हैं। तेरा एक सीरियल आता था वो भी ऑफ एयर, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरा खींच के। प्रीति जिंटा करेगी, प्रीति जिंटा करेगी, उसका पेरिस में करना बनता है। और वैसे भी तेरे को बात बनूँ, इश्क चीज ही ऐसी है, मजा आना होगा तो घाट कोपर में भी आ जाएगा। प्रीति जिंटा के लिए जोरदार तालियां। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोहेल भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैडम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। मिलके बोलो जय माता दी। दिवाली मेरा फेवरेट त्योहार है, सब बड़े प्यार से मनाते हैं। मैंने आज ये पटाखों की दुकान खोली क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी दुकान चल रही है, चलाओ क्या नया क्यों करना जब ये चल रहा है। हर कोई बंदा दिवाली मनाता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पता है परमीत और रचना में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि किसका रॉकेट सबसे ऊपर जाता है। पहले परमीत ने रॉकेट चलाया 100 फीट ऊपर गया, फिर अर्चना ने रॉकेट चलाया 2000 फीट ऊपर। परमीत कहता है ये कैसे? कहती आग मत लगाओ, ऐसे हाथ से फेंको। अरे का अपना स्टाइल होता है, जैसे मेरा भाई नहीं पिंकू, इसका अपना स्टाइल है। ये लोगों के दिए चुरा के ना तेल पीता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मैं तेल पी रहा है। कहता भाजी तेल ठीक रहता है, बत्ती गले में फंस जाती है। अब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ जाए सही, दुकान तो लग गई है भाई। Excuse me. Hello. Happy Diwali. दिवाली तो होगी, हैप्पी कहाँ हुए भाई? हैप्पी दिवाली, हैप्पी डेट। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? या एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद इंडिया आई हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली में क्या क्या करते हैं। बाहर से आए आप? क्या देखिए आप बाहर से हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये बताइए बाहर जा कब रही है? ओए, जब हम यहाँ पे एक्ट करते हैं ना तो जितना वो तुझे देखते हैं ना मुझे भी देखते हैं। क्यों? देखो जब बर्फी फिल्म आई थी ना, लोग रणबीर कपूर को देखने गए थे, तो बीच में अगर शमोना का एक सीन आ गया तो लोग उठ के थोड़ी चले जाए, देखना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बर्फी छोड़िए, आप मुझे कोई, ओह माय गॉड, आपको शर्म नहीं आती है? किस चीज की? सरेआम नकली मिठाइयों की दुकान, शर्म नहीं आती आपको? पढ़ के तो अच्छा बोल, नकली मिठाइयों की असली दुकान। ये देखो मैडम मेरी बात सुनो, आप बताइए आपको क्या चाहिए? गिव मी सम नाइस स्पेशल मिठाई दैट यू हैव। स्पेशल मिठाई मैं आपको बताऊं, हमारे पास जैन बर्फी है। जैन बर्फी? ये जैन बर्फी है। ओह व्हाट इज जैन बर्फी? ये हम लोग जनवरी में बना लेते हैं, अक्टूबर में बेचते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जैन बर्फी। और ये सब देख रही हैं आप, ये जैन रसगुल्ला है। नो 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 नो, जैन गुलाब जामुन है ये, इसके बड़े फायदे 3 इन 1 है। हाँ ये भी जनवरी में बनाया था हमने, इसके बड़े फायदे, इसको आप खाना चाहे तो खा भी सकती हैं, इससे आप स्नूकर खेलना चाहे स्नूकर खेल सकती हैं, नहीं तो आप इसको अपनी कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकती हैं। क्यों? उससे आपके कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो कैसे? क्योंकि सारे कीड़े इसको लग जाएंगे ना। समझ में नहीं आता आपको? You know what? मुझे आपसे कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए, आप एक काम करिए, आप मुझे दिए दे दीजिए। दिए? दिए मत लो, दिए लोग चुरा के ले जाते हैं, मैंने बताया ना आपको। ये बना भाई पिंकू दिए चुरा लेता है लोगों के। एक बार ये दिया चुराने के लिए दिए की तरफ बढ़ रहा था, एकदम दिया इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ये घबरा गया। पास में आकर जब दिए ने आवाज निकाली ना, तब ये डरा, पता ट्रेन थी दूर से दिया लग रहा था। तुम भी उसके छोटे भाई लगते हो और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। क्या करोगे? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तेरे पे किस आ रही है। What? देखो तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? I'm married, मेरा एक बच्चा है। क्या? क्या बच्चा है तुम्हारा? हाँ। मम्मी। ओह तो इस बच्चे से मैरिड हो तुम? ओए ये मेरा बच्चा है। ये कैसा बच्चा? 2 मूछें रखी हुई, आंखों पे एक कटवा के आ गया। इतने बाल, तेरी टांगों पे बाल है कि तेरे बालों पे टांगे आई है बे? ये कैसा बच्चा तेरा? मैं तो तलाक दे इसको, दफा कर, नए पटाखे फोड़ेंगे। शट अप, तुम मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। एक काम करो, उसे दिवाली के लिए कोई अच्छी सी फुलझड़ी दो, है ना बेटा? फुलझड़ी दूं? हाँ ये ले लो कुल्फी। फुलझड़ी मांगी है। पहले पूरी बात तो सुन लो, हाईटेक जमाना। ये कुल्फी ना, इसको आप जब चूसेंगी नीचे से फुलझड़ी निकलती है। What nonsense! तो फिर ये फुलझड़ी ले लो, इसको जब चूसोगी नीचे से कुल्फी निकलेगी। तुम बेवकूफ हो, ये उससे भी बड़ा नॉनसेंस है। तो पहले वाला ठीक लगा ना, तो वो ले लो फिर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.